दोस्तों इसी तरह से लोगो आपके मोबाइल फोन से आप लोग 2 मिनट में बना सकते हो। और दोस्तों लोगो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लोगो ही आपको ब्रांड बनाता है, खुद का पहचान बनाता है। इसीलिए दोस्तों अपने चैनल पर एक प्रोफेशनल लोगो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते हो, मान लीजिए कोई न्यू व्यूअर्स आपके वीडियो को आज देखा है, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करोगे, अगर उसके पास सजेशन में आपके वीडियो जाएगा तो वो आपके लोगो से ही पहचान लेगा कि इस बंदे का वीडियो मैंने पहले भी देखा है, और वो आपके वीडियो को, आपके न्यू वीडियो को भी क्लिक करके देखता है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों एक प्रोफेशनल लोगो लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग न्यू चैनल बनाए हो या फिर आपका चैनल पहले से है और आप अभी तक एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो आपके चैनल पर नहीं लगाए हो, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, जिससे आप लोग अपने मोबाइल फोन से 2 मिनट में एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर पाओगे। तो मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो कार्तिक टेक यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना। इस चैनल पर ऐसे YouTube से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनाने के लिए ना, बस आप लोगों को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जिसका नाम है PixLab एप्लीकेशन। ये वाला एप्लीकेशन आप लोग देख ही सकते हो, ये वाला PixLab एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर ही मिल जाएगा। अगर आप लोगों का आईफोन है ना, तो आप लोगों को ऐप स्टोर में भी PixLab एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपका एंड्रॉइड है तो सिंपल से आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों को सर्च करना है PixLab सर्च करना है, PixLab सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आप लोगों को इसको ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ऑटो रोटेट वाला आइकन, ये वाला आइकन हर एक स्मार्टफोन के अंदर होता है, तो ये आइकन को पहले आप लोगों को ऑन कर लेना है, ऑटो रोटेट वाला आइकन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपके फोन को आप लोगों को यहाँ पर रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपके फोन को यहाँ पर रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि PixLab एप्लीकेशन का इंटरफेस है, और यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन है, इसको आप लोगों को पहले डिलीट कर लेना है, यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये वाला बीच वाला ऑप्शन, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, सेप्स के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, यहाँ पर एक सेप्स आ जाएगा, इसको आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ये जो रेडियस लिखा है ना, इसको आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से 100% यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस कलर वाला ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर को यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा ये वाला टिक का ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला कॉपी के ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा सेप्स, ठीक है। इसका आप लोगों को कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कलर यहाँ पर आ जाएगा, कलर यहाँ पर व्हाइट कलर को इसको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करना है, स्मॉल कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को इस तरीके से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इसको एडजस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर लेयर, डबल लेयर वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद इन दोनों के आप लोग को मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए ये वाला ऑप्शन आप लोग को एक मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर दोनों के ऊपर आप लोग को टिक कर देना है। उसके बाद ये वाला मर्ज का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपल सा आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो, दोनों हमारा टेम्पलेट जो था यहाँ पर मर्ज हो चुका है, मतलब दोनों टेम्पलेट हमारा एक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये वाला डबल लेयर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर वो वाला हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख सकते हो, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है, इसको आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, ये जो
टॉलरेंस आप लोग देख रहे हो ना, इसको टॉलरेंस, इसको आप लोगों को पूरा यहाँ पर लास्ट तक ले आना है, मतलब 70 यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, इस टिक के ऊपर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर ये क्रॉसर को आप लोगों को हटाने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। यहाँ पर क्रॉसर हट चुका है हमारे लोगों के ऊपर जो क्रॉसर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा सेप्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेप्स के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप लोगों को पूरी तरीके से ये सेप्स को आप लोगों को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे टिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लेयर, डबल लेयर का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, इन दोनों को भी आप लोगों को यहाँ पर मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, इन दोनों टेम्पलेट को आप लोग यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन है, सिंपल सा इसको मर्ज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे आपका ये दोनों टेम्पलेट मर्ज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डबल लेयर के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है, यहाँ पर वो वाला लेफ्ट साइड में जो आ रहा था वो हट चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लोगो के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर राइट साइड में नीचे आप लोग को स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर टेक्स्चर का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्चर के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका गैलरी का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ये गैलरी ऑप्शन के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर सारे टेक्स्चर जो मैं यूज करने वाला हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे टेक्स्चर का मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आप लोग गोल्डन कलर का टेक्सचर या फिर ग्रीन कलर का टेक्सचर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं गोल्डन कलर का टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सिंपल सा ये वाला टिक का ऑप्शन के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहां पर देख सकते हो यहां पर गोल्डन कलर हो चुका है, टेक्सचर लग चुका है हमारे लोगों के ऊपर। और उसके बाद यहां पर राइट साइड में आप लोग एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कॉपी के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे यहां पर और एक उसी तरीके से आ जाएगा। इसको आप लोगों को यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे तो क्रॉप का ऑप्शन है, जैसे क्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे ना, ये वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर राइट साइड में रोटेट हो चुका है। उसके बाद सिंपल साइज वाला टिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ना, इसको आप लोगों को थोड़ा सा छोटा करना है, स्मॉल करना है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर फिर से ये वाला टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गैलरी वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर सिल्वर कलर का टेक्सचर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। टेक्सचर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सिल्वर कलर का टेक्सचर भी हमारा यहाँ पर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल से ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डबल लेयर के ऊपर फिर से क्लिक करके यहाँ पर इन दोनों को आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से लॉक कर देना है, ठीक है, जिससे कि ये लोगो जो है इधर उधर नहीं हिलेगा। उसके बाद फिर से डबल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो। इसके ऊपर आप लोग जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, एडिट के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट के जगह आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है, आपका चैनल का नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है। जैसे कि मेरा चैनल का नेम है कार्तिक टेक, तो यहाँ पर कार्तिक, कार्तिक का पहला लेटर है के, तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में, बड़ा लेटर में यहाँ पर के लिखूंगा। के लिखने के बाद आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर ओके के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इसको आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर मूव करके यहाँ पर लाना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, आप लोगों को एक एबी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट को आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला फॉन्ट में लगाना चाहता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है, तो ये वाला फॉन्ट में लगा लेता हूँ, ब्लॉगर सेंस बोल्ड। तो उसके बाद सिंपल जाए इस ओके के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा फॉन्ट यहाँ पर लग चुका है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आप लोग को स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका चैनल का पहला लेटर फिर से यहाँ पर कॉपी हो चुका है। इसको आप लोग यहाँ से मूव करके यहाँ पर सेम तरीके से इसको भी आप लोग को यहाँ पर सेट कर देना है। जैसे सेट करोगे ना, यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। और यहाँ पर आपका चैनल का नेम का जो सेकंड लेटर है, मतलब मेरा चैनल का नेम है कार्तिक टेक, तो मैं कार्तिक का पहला लेटर मैं के लगा चुका हूं। उसके बाद टेक का पहला लेटर जो है टी है, तो यहां पर मैं टी लिखूंगा, टी यहां पर बड़ा लेटर में लिखूंगा। उसके बाद यहां पर ओके के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ओके के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो टी हो चुका है, इसको आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से गैलरी वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को फिर से वही गोल्डन वाला टेक्सचर को यहाँ पर
सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा टी में गोल्डन कलर का टेक्सचर लग चुका है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल सा ये के ऊपर क्लिक कर देना है, मतलब आपका चैनल का पहला लेटर के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा फिर से वही टेक्सचर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट कलर मतलब सिल्वर कलर का जो टेक्सचर है उसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको आप लोग चाहो तो आप लोग थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हो, बड़ा करके यहाँ पर अच्छे से सेट कर सकते हो। इसका साइज आप लोग यहाँ पर इससे चेक कर सकते हो, साइज के ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर 220 है इसका साइज। तो उसके बाद यहाँ पर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर साइज के ऊपर क्लिक करना है, इसको भी आप लोगों को 220 यहाँ पर कर देना है, ठीक है 220 कर देना है। इन दोनों लेटर को आप लोगों को सेम साइज करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके लोगो के अंदर यहाँ पर इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप लोगों को ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, यहाँ पर फिर से डबल लेयर के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर सारे टेम्पलेट को आप लोगों को यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ पर फिर से डबल लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से ये वाला टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करो यहाँ पर फिर से न्यू टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को डबल क्लिक करना है या फिर आप लोग यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है कैंसिल करके और यहाँ पर आपका चैनल का जो फुल नेम है उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरा चैनल का नेम है कार्तिक टेक, यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा पूरी तरीके से कार्तिक टेक में यहाँ पर स्पेस देकर टेक लिखा हूं। तो इस तरीके से आपका चैनल का फुल नेम यहाँ पर लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करके यहाँ पर आप लोग अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एबी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से वही वाला फॉन्ट को यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हो वाला फॉन्ट हमारा आ चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, कलर के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो जो कार्तिक टेक है, मतलब मेरा चैनल का नेम जो है, चैनल नेम का कलर को दो कलर में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से टेक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ टेक को सिलेक्ट करना है, मतलब आपका चैनल का नेम का जो सेकंड वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है और उसी का कलर को आप लोगों को यहाँ पर येलो कलर कर देना है, ठीक है। या फिर आप लोगों को जो भी कलर यहाँ पर अच्छा लगता है यहाँ पर आपके लोगों के हिसाब से तो यहाँ पर रख सकते हैं, जो भी कलर है आप लोग यहाँ पर लगा सकते। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा टिक वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये डबल लेयर के ऊपर फिर से आप लोगों को क्लिक करना है और ये सारे टेम्पलेट को आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर देना है, क्लिक करना है और इसके बाद ये वाला ऑप्शन मर्ज का ऑप्शन है, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सारे टेम्पलेट जो है हमारा एक लोगो के अंदर यहाँ पर मर्ज हो चुका है, मतलब एक ही हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आप लोग को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिलेगा, शेडो के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑफसेट एक्स को आप लोग 1-2 पर रख सकते हो और ऑफसेट वाई को भी आप लोग यहाँ पर 1-2 पर यहाँ पर 2 पर रख सकते हो। उसके बाद सिंपल सा ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक प्लस वाला आइकन मिल रहा है, इस प्लस वाले आइकन के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक वाला टेक्सचर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सारे टेक्सचर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा ये वाला टिक ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे इसको आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन के हिसाब से आप लोगों को बड़ा कर देना है, बड़ा करके अच्छे से यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर टू बैक का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो टू बैक का ऑप्शन है। सिंपल सा टू बैक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना आपका वो वाला ब्लैक कलर का टेक्सचर बैकग्राउंड जो है यहाँ पर पीछे चले जाएगा और आपका प्रोफेशनल लोगो जो है बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन है ना, सिंपल सा थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल सा एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्वालिटी लिखा है ना, राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना लास्ट में जो अल्ट्रा ऑप्शन है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपका लोगो जो है HD क्वालिटी में यहाँ पर सेव होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैलरी लिखा है, सिंपल सा सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद
कुछ ही 2 सेकंड में आपका लोगो जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।